खरगोन जिले में दिन दहाड़े ट्रैक्टर शोरूम में सेल्स मैनेजर से 2 लाख रुपए लूटने के मामले में फरियादी मैकेनिक मुजम्मिल पठान ही निकला लूट का मास्टरमाइंड। गोगांव पुलिस ने मैकेनिक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है एवं 1,47,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। आपको बता दें कि ये लोग 2 बाइक पर मास्क पहने 4 बाइक सवारों ने 26 मई को लूट की घटना को अंजाम दिया था। मोरवा गाँव से पेमेंट लेकर बाइक से सेल्स मैनेजर नितिन वर्मा और मैकेनिक मुजम्मिल पठान के साथ ट्रैक्टर का पेमेंट लेकर लूट रहे थे। आरोपी सेल्स मैनेजर नितिन वर्मा से मारपीट कर 2 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए थे। उसी फरियादी मैकेनिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी गोगांव थाना क्षेत्र के खंडवा बड़ोदरा स्थित ललनी टेमरनी गांव के पास यह लूट की वारदात हुई थी। मैकेनिक ने अपने साथी नदीम अबरार रिजवान साजिद सभी निवासी खरगोन के साथ मिलकर यह लूट की योजना बनाई थी। सभी आरोपियों ने आपस में रुपए बांट लिए थे। देखिए एक बड़ी लूट की घटना का खुलासा हुआ है। ये पूरी टीम लगातार 36 घंटे से काम कर रही थी और एक ऑपरेशन 36 संचालित किया था। जैसा कि आपके संज्ञान में है 26 को जो यस ट्रैक्टर एजेंसी है उसका मैनेजर और उनका जो एसोसिएट था वो अपने कस्टमर से कैश लेने गए थे और जब 2 लाख रुपये का कैश लेकर लौट रहे थे तो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अज्ञात युवकों ने हमला किया और काफ़ी गंभीर चोट पहुँचा के 2 लाख रुपये की राशि छीनी गई थी। दिन के समय मेन रोड पर इस प्रकार की घटना चुनौतीपूर्ण थी। इसमें हमने विशेष रूप से एक अलग टीम बनाई थी, SDOP बीकनगाम संजू, IPS प्रोफेशनल मिस्टर आनंद, TI करही, TI गोगामा और हमारी साइबर टीम, ये लगातार इसमें काम कर रही थी। फाइनली जो निकल के आया है इसमें जो यस ट्रैक्टर एजेंसी का मुख्य मैकेनिक है मुजम्मिल, जो कि काफ़ी लंबे समय से वर्षों से वहाँ काम कर रहा है, उसने ही इस घटना की पूरी प्लानिंग बनाई थी। क्योंकि उसी को ये जानकारी थी कि पर्टिकुलर डेट और टाइम को ये लोग कैश लेने जाएंगे, तो इसने खरगोन शहर के ही अपने 4 साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई और उनको एक टिप दे दी कि इस टाइम हम कैश लेके वापस आएंगे तो घटना की जा सकती है। तो इसमें 4 आरोपी जो अरेस्ट हुए हैं उनके पजेशन से 1,47,000 का सीजर हुआ है। बाकी की जो राशि है इन्होंने अपने कुछ उधारी चुकाई है उसको भी बरामद करेंगे। क्योंकि इसमें जो मुख्य विक्टिम था अनिल नितिन को चोट लग के हॉस्पिटल आया था, इसलिए मुजम्मिल की तरफ से FIR की गई थी। अब मुजम्मिल चूँकि इस केस में आरोपी बन चुका है उसका भी रिमांड लेंगे और किस प्रकार से उसने पूरी योजना बनाई और उसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। इसमें एक आरोपी जो अकबर अरेस्ट हुआ है वो 2015-16 के सांप्रदायिक हिंसा के दंगों में भी आरोपी रहा है। इस प्रकार से पूरी टीम ने लगातार अलग अलग सुरागों पे काम करके अलग अलग तरीके से काम करके एक बड़ी घटना को वर्कआउट किया है, इसलिए पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। हथियार का यूज़ नहीं हुआ था, बेसिकली डंडे और लात मुक्कों से इस पर हमला किया गया था। हथियार इनके पास चाकू था, चाकू को भी सीज किया गया। सर ये और भी कोई खुलासे हो सकते हैं कैसे पूछताछ? देखिए ये एक व्यक्ति तो क्रिमिनल पृष्ठभूमि है, सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा रहा है, बाकी के जो आरोपी हैं उनकी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड जांच करेंगे रिमांड लेके, हो सकता है और भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं इन्होंने की हो जिसमें खुलासा हो। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।